सर्वाइवर्स आर्ट गैलरी में आर्टिस्ट मोहम्मद अली की सोलो नुमाइश पेश की गई, जिसका नाम साउंड्स ऑफ कलर्स रखा गया है। और ऐसा नाम क्यों ना हो, जब हर तस्वीर में कुछ यूं मंजर पेश किया जा रहा है जैसे आंखों में रस घुल रहे हों। रंगों का खूबसूरत इम्तिजाज आर्टिस्ट की महारत का मुंह बोलता सबूत है। इस सिलसिले में आर्टिस्ट का कहना है कि उनका काम फिगर्स और तजरीदी आर्ट का इम्तिजाज है। मुझे ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं जो फिगर्स हैं, जो कि मैं बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं बनाता, एक सेमी एब्स्ट्रैक्शन सा मेरा अपना एक नेचुरल है, तो उसमें फिर इन्हीं चीज़ों को जहाँ जहाँ पे भी मुझे म्यूज़िकल लगा कि जो कलर्स हैं वो भी अपनी जगह पे साउंड्स होते हैं उनके, चाहे वो वाइट हो, रेड हो, येलो हो, तो एक मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है। गैलरी ओनर का कहना है कि उनकी गैलरी में नुमाइश से कबल आर्टिस्ट मलेशिया में भी अपने फन की जोहर दिखा चुके हैं। मोहम्मद अली भट्टी के बारे में आई वुड टेल ही इज एन इंटरनेशनल आर्टिस्ट एंड हैज बीन पेंटिंग फॉर द रॉयल फैमिलीज इन मलेशिया एंड ही हैज पेंटेड वेरियस सेनेटर्स इन USA एंड ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। नुमाइश देखने वालों का कहना है कि आर्टिस्ट की बनाई हुई तस्वीर आंखों के लिए एक नायाब तोहफा है। बहुत सी रंगों की मिक्सिंग नज़र आती है, तो ये ऐसी ही चीज़ है जो एक आर्टिस्ट के जहन में जाती है और उसके बाद जब वो सोचता है कि मैं अपने काम को, अपने जहन को, अपनी चीज़ों को मैं किस तरह अपने कैनवस के ऊपर या फिर किसी सरफेस के ऊपर कन्वर्ट कर सकूं, तो इनके काम में आपको एक ज़ौक भी नज़र आएगा और एक ऐसा वजद भी नज़र आएगा जो इन आर्ट की चीज़ों को और इन रंगों को देख के ज़ाहिर होता है। ये नुमाइश 3 मार्च तक जारी रहेगी, जहाँ शहर भर में फिल्म स्टार मोहम्मद अली के मद्दाह उनकी चौथी बरसी के मौके पर सोगवार नजर आते हैं, वहीं पर आर्टिस्ट मोहम्मद अली रंगों की बारात लिए महवे जिंदगी हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अली अनीक सैयद, 3:42।